नगर परिषद सोलन के पार्षदों ने सोलन में सफाई अभियान का आयोजन किया। इस अभियान में नगर परिषद की दो टीमों ने सोलन की सफाई की। एक टीम की अध्यक्षता नगर परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने की तो दूसरी टीम की अध्यक्षता उपाध्यक्ष मीरा आनंद ने की। इस सफाई अभियान का मुख्य उद्देश्य शहरवासियों को सफाई के प्रति जागरूक करना था, ताकि शहरवासी नगर को स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग दें और हिमाचल को सुंदर बनाएं। नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने इस मौके पर बताया कि वह शहरवासियों में सफाई के प्रति जागरूकता लाना चाहते हैं, ताकि शहर को सुंदर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से सोलन वासियों को स्वच्छता अभियान से जोड़ा जा रहा है, ताकि वह अपने जीवन में स्वच्छता को अपनाएं। उन्होंने कहा कि आज यह अभियान समूचे हिमाचल में एक साथ चलाया जा रहा है और वह भविष्य में भी इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान के बाद यह अभियान सोलन के 15 वार्डों में चलाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता वार्ड पार्षद करेंगे। वहीं नगर परिषद की उपाध्यक्ष मीरा आनंद ने कहा कि वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता को लेकर दिखाए गए रास्ते पर चलकर सोलन को स्वच्छ बनाने की मुहिम में चला रहे हैं, जिसमें आज सभी पार्षद मिलकर सोलन को साफ कर रहे हैं, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। गौरतलब है कि अभियान उस समय चलाया जब बाजारों में सफाई कर्मी बाजारों को साफ करके जा चुके थे। यही नहीं, इस अभियान में पार्षद और अध्यक्ष अपने साथ सफाई कर्मियों की फौज लेकर भी आए थे। जिस जगह एक कर्मचारी सफाई करता था, वहां करीबन 15 लोग सड़कों को साफ करते नजर आए, जिस पर स्थानीय लोगों ने एतराज भी दर्ज करवाया। ये जो सफाई अभियान है सोलन हिमाचल में चल रहा है, ये एक आज के दिन के लिए कॉल थी, जिसको सब ने सहमति से और सब ने स्वीकार किया है। अब हम इसको वार्ड लेवल पर सफाई करने का अभियान चलाएंगे और अलग अलग तरीके से चलाएंगे, जिसमें काउंसलर जो पार्षदगण हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी और वो अपने अपने वार्डों में सफाई करेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि हम सफाई को अपनाएं और स्वच्छ रहें। अगर स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो समाज स्वस्थ रहेगा। हमारी पार्टी का भी उद्देश्य है कि स्वच्छ भारत जो नाम दिया गया है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उसको किस तरह से हम लोग पूरा करें। सफाई के साथ साथ हम लोग जो है लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं कि आप अपना कूड़ा जो है कृपया डस्टबिन में डालें, और स्कूल के बच्चों को भी हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो टॉफी भी खाते उस कागज को भी आप इसी तरह से जो है आज पूरे भारत में सफाई अभियान किया जा रहा है। और हम लोग सभी जो है आज शहर को सुंदर बनाने के लिए सभी लोग, सभी वार्ड के लोग भी जो है उतरे हैं सफाई अभियान में।